कासगंज जनपद में निकाय चुनाव का दौर जोर शोर से चल रहा है। रविवार को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पटियाली कस्बा के नरदौली रोड स्थित प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा की मीटिंग हॉल में बीजेपी की प्रत्याशी श्री मती कंचन शाक्य के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक ममतेश शाक्य एवं कासगंज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बॉबी कश्यप ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा ने नगर की जनता बीजेपी की प्रत्याशी कंचन शाक्य के पक्ष में मतदान करने की अपील की और नगर जनता को नगर में चहुंमुखी विकास कराने का वादा भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत पटियाली का प्रत्याशी कंचन शाक्य जी को बनाने का कारण यह है कि कंचन शाक्य जी की मांग इस नगर पंचायत के हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने करी थी और इसलिए उनको अच्छे प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे हम लेकर के आए और कंचन शाक्य यहाँ से कंचन शाक्य जी चुनाव जीतेंगी। बाकी के पूर्व में भाजपा ने जितने विकास कराए हैं, मैं भी यहाँ से पूर्व में एमएलए रहा हूँ और नगर पंचायत के नीरज मिश्रा जी चेयरमैन रहे हैं, वो भी आज हमारे साथ में है। संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज और अन्य समाज में यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज सभी वर्गों की पार्टी है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग विकास के मुद्दे पर वोट दें, क्योंकि हमारी पार्टी ने विकास किया है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा देने के काम किया है। आज कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी खुले ताले में रह सकता है, घर छोड़कर भी रह सकता है। ये सुरक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने दी है और इसी पर हमारी जो प्रत्याशी हैं विकास के मुद्दे पर आई हैं, नगर का विकास कराएंगी और नगर में जो भी शांति का माहौल बनाएंगी और सुरक्षा का माहौल रहेगा नगर में, यही हमारी है। कंचन शाक्य जी हैं, ये विकास के मुद्दे पर आ रही हैं चुनाव में और ये जीतेंगी। और मैं अपने समाज के लोगों और अन्य समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा, 11 तारीख को कमल के फूल पर भारी मतों से विजय बनाकर कंचन शाक्य को नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।